हेलो, मैं मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल, हेडल फाइन आर्ट का स्टूडेंट। 1965 से इस कॉलेज में कॉलेज फाइन आर्ट कॉलेज चालू हुआ। मुसलसिल हज़ारों आर्टिस्ट यहाँ पर अपने इल्म यहाँ से सीख कर गए। उसमें भी उस कॉलेज का हिस्सा मैं भी एक हूँ। और मैं 1985-86 का स्टूडेंट हूँ। सिंस मेरे 37 ईयर्स हुए इस कॉलेज से जुड़ के। मैं यहाँ से जब डिग्री हासिल किया, फॉरेन गया, उसके बाद नेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड, डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड, कई ढेर सारे अवार्डें पाया। आज दृश्य भूषण MB पाव पटेल मेमोरियल अवार्ड जो मुझे दिया गया है, ये गुलबर्गे का अवार्ड है, सबसे बड़ा अवार्ड है। एक अंधानी साहब हमारे उस्ताद है, तकरीबन मुसलसिल 2010 से कंटिन्यूस ये हॉनर कर रहे हैं अंधानी साहब। बहुत बड़ी बात है, कर्नाटक नहीं बल्कि देश के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। उन्होंने सर्च कर आर्टिस्टों को चुनकर साल में दो आर्टिस्टों को जो बड़ा अवार्ड दिया जाता है वो दृश्य भूषण अवार्ड, वो इस बार मुझे चुना गया है। ये मेरी खुशकिस्मती है बोलता हूँ मैं। आज जो दृश्य भूषण अवार्ड दिया गया है, दो आर्टिस्टों को कर्नाटक से सेलेक्ट किए, उसमें से डॉक्टर MS मूर्ति बेंगलुरु और मेरा नाम गुलबर्गे से था। मैं ढेर सारे मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर MS मूर्ति साहब को, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। अब वो आना था, कुछ काम की वजह से वो आ ना सके, उनको भी मेरी ओर से इस अवार्ड का मुबारकबाद देता हूँ। आज के जो चीफ गेस्ट थे बसवराज डोनूर, रजिस्ट्रर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका, और आज के अध्यक्ष डॉक्टर VG अंधानी साहब थे, इनके जेर निगरानी में ये अवार्ड फंक्शन रखा गया है। Subscribe our TV Karnataka's first art news channel.